आंख से तू कर सके ओकरा में और कुल जात का सफे रहे, लेकिन एगो वहीन के लैका बड़ा खर्चूली रहे। वो लैकवन में नाव रहे मंगरुआ, मंगरू ना कोई तक केहू खिसियाई मत भी। मंगरुआ बहुत चूली टाइप का रहे, बहुत बदमाश रहे, उज्जर टाइप के। ओकर क्लास टीचर रहली इनही नियन मैडम नीतू राज नियन। क्लास टीचर मन जो पहले हाजिरी लेवे जाए जलो के क्लास टीचर कहल जाला। पहली घंटी में जे स्कूल में जाला क्लास ओके क्लास टीचर कहल जाला। कामर सर तो क्लास टीचर मास्टर ओ मैडम रहली नीतू नियन। ये उम्र ही हो रहा था तू हाजिर बनल जात रहे बार झर के अब हाला भइल स्कूल में कि काल डिप्टी साहब आवे लगे। डिप्टी साहब पहले आवे लोग सरकारी स्कूल में महीना दो महीना पर चेक करे हलचल स्कूल में मच गई। काल डिप्टी साहब एहन, काल डिप्टी साहब एहन। हेडमास्टर सबके सावधान कर दिलन तो मैडम कहली कि देख मंगरू कल तोर छुट्टी हो गई, कल तुम अत कल डिप्टी साहब आए वाले बन तो सोचलस कि भाई कुल लड़का पढ़े जैस काल डिप्टी साहब एहन मैडम हमारा के माना कर तारी एक मतलब जना था कि डिप्टी साहब लड़कन के कुछ पढ़ती हन कुछ दी नहीं हमरा के माना कर तभी दूसरका दिन माना कैले रहे लेकिन सबका ले पहले पहुंच गई स्कूल। मैडम देखली कल करे मगर तू आ गया जात के अहिर रहे अहिर देख हमार जात बड़ा शुद्ध जात है नीतू हमार जात बड़ा शुद्ध जात है जले पानी ना में पानी ना बचे। अरे बुढ़ो पानी ना में जला तोरा पता नहीं क्योंकि शुद्ध कर जला तोरा नियम आदमी के बेशुद्ध कैले दे दे दिन भर लोटा लेके दौड़ रहा है तो शुद्ध कर जला पानी ना में रहल जला। बंगरुआ चल गई दूसरा दिन एकदम स्कूल में पहले मैडम देखली स्कूल लागल हाजिर बनल मंगरू पहले हाजिर कहली अरे तुहू आ गए आ गया मंगरू खड़ा होकर मुंह लटकौले तुमको मना किए थे ना तुम आना तो बोलते निकल। मैडम कहले अच्छा ठीक है तुम पीछे सबसे जाओ सबसे पीछे जाओ और जाकर बैठना बैठो चुपचाप कोई कितना हो बोलाए बोलना मत। कलर ठीक बटे ठीक बा हम नहीं बोलेंगे ना बोलो। डिप्टी साहब अल और डिप्टी साहब अपन स्कूल क्लास में घूमत घूमत पहुंचलन मंगरू के क्लास में लेकिन के देखल कल के बच्चे तुम लोग तो बहुत अच्छे हो पढ़ाई अच्छी होती है कुल लड़का कहा हाँ सर पढ़ाई अच्छा होगी। कलन की ठीक है पढ़ाई अच्छी होती है तो एक मेरा सवाल बताओ तुम लोग तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा ये ना पूछ रहा हूँ। कलन की तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा और कुल लड़का चुपचाप लगौले बड़ा सुन आ मंगरुआ पीछे से कब हाथ के तो ऊपर उठावता तो मैडम भीतर दिक्कत गणूर के तुरंत नीचे कर ले। मैडम आंख से तू कर सके अपन हाथ नीचे कर ले कौन लड़का बोलत निकल सो बोलन की बोलो तीन में से दो जाएगा तो तुम लोग बताओ क्या बचेगा क्यों बोलत नहीं। फिर एक बेर मंगरुआ मैडम के चारू ओर तिकई का एतर हाथ ऊपर कर टिकट फिर नीचे कर लेलो। डिप्टी साहब के नजर पड़ गए मंगरुआ कल की भाई वो तो लड़का हाथ उठाना चाहता है लेकिन बात क्या है कल की बेटा उठ जाओ खड़ा हो जाओ
अब तो मैडम के एकदम गर्मी होके लागल कली की नौकरी गई नौकरी गई लग तो कल की बेटा तुम कुछ बताना चाहता है बताओ तीन में से दो जाएगा कितना बचेगा मंगलुआ कालस केस आए तो के डिप्टी साहब बना दे अब तो मैडम और ले लिया ललकी से आई पक्का यही बात कल बताओ बेटा आखिर तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा कलश की तो के हम ये पूछा था कि ड्यूटी साहब बना दे के बना दे तो के ड्यूटी साहब कल की क्या हुआ क्या हुआ मैंने तो सवाल तुमसे का पूछा कि तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा कलश की फिर कहा था तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा तो सवलवे गलती बट ड्यूटीओ साहब थोड़ा देर तक एकदम भक मार दिया कि यार तू गजब लड़का है कह रहा है कि सवाल वही गलती है कहा कि अरे बेटा हमने सीधा सवाल पूछा है कि तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा कल की फिर कहता कि तीन में से दो जाएगा महाराज कहने के डिप्टी साहब तो है कि बनोलस के बनल कैसे तीन में से दू गो कब जेबे ना कर बात तो गैले नहीं थे तीन में से दू ना डिप्टी साहेब कॉलन के रे क्यों नहीं जाएगा भाई कल के फिर कहता मगर वो फिर कहता कि क्यों नहीं जाएगा तीन में से कब दू गो जेबे ना करी जब जाये तय कही जाये डिप्टी साहब के माता से चकरा गई कहलों कि तीन में से दो नहीं आएगा कल की ना कबो कहले नहीं खे कैसे जाएगा कुछ नहीं मैडम कबो कहले नहीं खे तीन में से दू गो एगो दू गो जब गई बात है खाई गई बा तहरा अगर जानकारी में खो के तो मैडम से पूछ लो और ही बना दिया मैडम से मैडम बाहर उनका पसीना पर पसीना चलता है नौकरी गई ललकी से आई घूम की तारा अगर ड्यूटी साहब पता नहीं गए तो मैडम से पूछा उनका पता बा तीन में से तू को जीबे ना कर ला जब गई बताए कही गई का मैडम ड्यूटी साहब से मंगरुआ कहा अब ड्यूटी साहब वो बात सुन के मैडम अपने स्कूल से पहरी क्लास से पहरी डीपी साहब खड़ा बनो वो चंबित बनो वो परेशान बनो गजब लड़का है कहा कि ठीक है बेटा मैं मान गया कि मेरा सवाल गलत है और तुम सही बताओ तीन में से दो क्यों नहीं जाएगा एक ही क्यों जाएगा कहा कि फिर आप कह रहे हैं साहब कि दो जाएगा जब गया है तो एक ही गया है और जब जाएगा तो एक ही जाएगा दोनों जेबे न कर जब जाए तो कहीं जाए दोनों ना जाए एक समय क्या हो वो हम एक ही कह वो कहता मंगलू वही कहता कि जब जाए कहीं जाए कहला कि बताओ कैसे कहला कि सुनी सा तीन में से जब गई बात है कहीं गई बात कैसे कि तीन गो लोग आकाश लोग ऊपर और नीचे पाताल आई बिचवा में मृत लोक है जहां हमने के बाने तो ऐसा है आकाशो लोग अस्थिर बा पाताल लोग भी अस्थिर बा आई जन बिचवा में मृत लोक बा यही में लोग एगो आवेलन जालन आवेलन जालन यही मृत लोग कवे के लोग आवेलन जालन तो आकाश लोग पता लोग तो अस्थिर बा यही मृत लोग के लोग आते हैं जाते हैं से तीन में से दोनों ना जाए के कही जाए ताली बाज गई कुल लड़का ताली में दौल सब और कलन कलन वो डिप्टी साहब की साबस बेटा जो हमको जानकारी नहीं थी तुम जानकारी दे दिया और तुम्हारे क्लास की जो क्लास टीचर है मैडम
तुम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मैडम को प्रमोशन किया जाए।